अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका दिया है। बड़ी अपडेट आ रही है। सुनवाई होने तक जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राव देवनी कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत जरूर मिली थी, लेकिन जब ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया तो हाईकोर्ट ने इस जमानत पर फिर से रोक लगा दी है। एक बहुत बड़ा सस्पेंस अभी बना हुआ है कि क्या अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलेगी या नहीं, क्या उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ राव देवनी कोर्ट से एक बड़ी राहत के तौर पर अरविंद केजरीवाल को जमानत तो जरूर मिल गई थी, लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने इसी आदेश को जो है वो हाईकोर्ट में चुनौती दी और इस चुनौती को फिलहाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने जमानत देने से फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब अगला कदम क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाएंगे और दूसरी तरफ ईडी अपने तर्कों को कहां तक पहुंचाएगा, जो तथ्य रखे गए हैं जिस आधार पर उन्हें जो है वो जमानत याचिका पर जो सुनवाई हुई है उसको फिलहाल रोक लगा दी गई है। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधे जुड़ चुके हैं। केशव, एक बार फिर से एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर। हालांकि जरूर राव देवनी कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है कहीं ना कहीं राहुल जमानत कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बेल पर रोक लगाई है। लेकिन आखिरकार अब क्या होगा, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, अब हाईकोर्ट ने इस बेल पर रोक लगाई है, ये बेल पर रोक कब तक रहती है, क्या मुख्यमंत्री आज बाहर आएंगे, इन तमाम सवालों पर कहीं ना कहीं अभी जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर तफसील साफ होना बाकी है। ठीक है केशव, अब अगला कदम क्या हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, या फिर जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए वकील हैं उनका क्या कदम हो सकता है और ईडी किस दिशा में जा सकती है? देखिए, हो सकता है अगर आज अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल जब राव देवनी कोर्ट से राहत मिली उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसका जश्न भी मनाया, लेकिन सुबह ही ये खबर सामने आई कि हाईकोर्ट ने बेल पर रोक लगा दी है। तो क्या है, क्या आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर क्या आम आदमी पार्टी का स्टैंड रहेगा? अभी वैसे ही इस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उन्होंने बाइट में किया था कि बेल बॉन्ड करेंगे, तिहाड़ जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल को लेकर आएंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने जब इस तरीके की टिप्पणी की है तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी इस पर कहीं ना कहीं सबकी निगाह है। केशव, हाईकोर्ट में अभी सुनवाई तो चल रही है, क्या एक बार फिर से न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जा सकता है, क्या एक और तिथि तय की जा सकती है जब तक अरविंद केजरीवाल को जो है वो जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा? देखिए, ये बिल्कुल सस्पेंस है और अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। इतना जरूर कहा जा सकता है शीतल कि हाईकोर्ट ने जमानत पर कहीं ना कहीं रोक लगाई है, लेकिन क्या हाईकोर्ट किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देगा, क्या राव देवनी कोर्ट के फैसले को लेकर अगला जो रुख है अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार करेंगे, यानी कि पूरे प्रेसिडेंट पर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे, क्योंकि इस पूरे केस की जो प्रारंभिक जांच है उसके तथ्य है वो राव देवनी कोर्ट पे सामने रखे गए हैं और निचली अदालत होने के बावजूद राव देवनी कोर्ट से लिए गए फैसले कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा आधार बनकर दिखाई देंगे। जहां उनको निचली अदालत से राहत नहीं है वहीं हाईकोर्ट ने उनको राहत देने से इनकार किया है, तो कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल के पास रास्ता क्या होगा, क्या कानूनी चीजें होंगी जिस पर अभी आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन बहुत ठीक है। ओके केशव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल कहना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलेगी या नहीं, या फिर इसी तरह से उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा।